लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने चिड़िया भड़क गए युवक की पानी में डूबने से हुई मौत। पहले था उज्जैन जाने का प्लान, बाद में बन गया चिड़िया भड़क जाने का प्लान। इंदौर बीआरटीएस की सफाई के दौरान निगम कर्मी को लगा करंट, गंभीर हालत में किया अस्पताल में भर्ती। बाहर से इंदौर आने वाले यात्रियों से लूटपाट करने वाले तीन बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुनसान इलाके में ले जाकर कर रहे थे लूटपाट, पुलिस को लग गई भनक। दोस्तों के साथ इंदौर से पिकनिक मनाने गए युवक की चिड़िया भड़क में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से युवक को बाहर निकाला गया। शासकीय अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद परिजन भी बड़वा पहुंचे। ब्रह्मबाग कॉलोनी इंदौर निवासी श्रेयांश पाठक अन्य तीन दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए चर्चा कर रहे थे। पहले वो उज्जैन जाने वाले थे, बाद में उनका प्लान चिड़िया भड़क जाने का बन गया। चिड़िया भड़क पहुंचने के बाद सभी दोस्त नदी किनारे बैठे हुए थे। चूंकि श्रेयांश को तैरना आता था, इस कारण वह नहाने के लिए चोरल नदी में उतर गया। देखते ही देखते श्रेयांश गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। श्रेयांश को डूबता देख अन्य दोस्त शोर मचाने लगे, जिस पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक श्रेयांश डूब गया। ग्रामीणों की मदद से श्रेयांश को बाहर निकाला गया। 108 वाहन से उसे बड़वा के शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद परिजन भी इंदौर से अस्पताल पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित बीआरटीएस पर साफ सफाई करते समय नगर निगम कर्मचारी को करंट लग गया। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के सत्यसाई चौराहे स्थित बीआरटीएस में साफ सफाई कर रहे निगम कर्मचारी को अचानक करंट लग गया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को तत्काल उपचार के लिए एम्बा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। निगम कर्मी का नाम देव कुमार बताया जा रहा है, जो देर रात झाड़ियों की बीआरटीएस पर सफाई कर रहा था। इस दौरान खुला पड़े तार में हाथ लग जाने के कारण करंट लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ये क्या है, जैसे बीआरटीएस पे काम कर रहा था, तो बिना वो जो घास है उसमें क्या एक वायर निकला हुआ था, तो उस वायर में से क्या है बारीक सा है ना कट था उसमें, बारीक सा, तो उस कट में क्या है इसका क्या थोड़ा हाथ चलेगा, तो उस वजह से करंट लग गया। क्या काम कर रहा था बीआरटीएस पे? बीआरटीएस पे वो साफ सफाई कर रहा था। कहाँ पर? ये अपने सत्यसाई है ना। हाँ, सत्यसाई के थोड़ा आगे पंचमुखी हनुमान मंदिर है ना, वहाँ चले गए। वहाँ पर क्या कचरा ज़्यादा पड़ा था, तो कचरे में क्या जैसे तार है ना खुले पड़े रहते हैं, तो देखने पाया तो इस कारण क्या उसको हो गया। क्या हुआ क्या इसको करंट लगा है? करंट लगा। कितने लोगों को करंट लगा? एक ही जगह। क्या नाम है भैया का? देव यादव। इंदौर में ऑटो रिक्शा में बाहर से आने वाले यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से लूटे हुए रकम सहित ऑटो रिक्शा जब्त किया है। मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र का है। यहां पर पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ अज्ञात तत्व ऑटो रिक्शा में सवार होकर बाहर से आने वाले यात्रियों से लूटपाट कर रहे थे। खरगोन से आया मिथुन नामक युवक नौलखा के लिए इनकी ऑटो में बैठा था। इसी दौरान ऑटो में बैठे तीनों बदमाश उसे नेहरू पार्क की तरफ ले गए और उसे चाकू की नोक पर लूटपाट करने लगे। गश्त में घूम रहे पुलिसकर्मियों ने जब आवाज सुनी तो मौके पर पहुंचकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने अन्य और तीन घटनाओं को करना कबूला है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अन्य और भी वारदातों के मामले में पूछताछ कर रही है और जल्दी और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ये अभी पिछले 6 महीने से लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास से यात्रियों को ऑटो में बिठा के ले जाते हैं और फिर सुनसान जगह पे ले जाकर उनसे बैग और पैसे वगैरह छुड़ा लेते हैं। इसके पर लेकर जो एसएसपी मैडम थी उनके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे हमको कि इनके खिलाफ कार्रवाई करना, तो इसमें पुलिस को एक गैंग हाथ लगी है, जिसमें वो ऐसी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास से करने वालों के साथ वारदात करते थे। इसमें मिथुन नाम का एक व्यक्ति था जो खरगोन जिले के पिपराटा गांव का रहने वाला था। वो इंदौर आया था और यहाँ से उसको नौलखा जाना था, तो नौलखा जाने के लिए वो खड़ा था, तब
एक ऑटो वाला और दो लोग उसके पास पहुँचे, तुम कहाँ जाना है? तो उसने बोला कि 9 लाख का जाना है। बोला चलो सस्ते में हम छोड़ देंगे। तो उसने देखा नहीं था, वो बैठ गया उसके अंदर, उसको बैठ के फिर वो 9 लाख का नहीं ले जाके पार्क रोड पर नेहरू पार्क एरिया में, जो सुनसान एरिया में ले जाके उसके साथ उससे पैसे वैसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान जो पुलिस थी पेट्रोलिंग की रास्ते में, PSI शर्मा और जो सिपाही और थे लोकेश वगैरह, उन लोगों ने देखा कि ये कुछ संदिग्ध लोग गाड़ी में बैठे हैं और कुछ आवाज़ आ रही छीना झपटी की। तो उनने जाकर जब घेराबंदी की तो गाड़ी में पकड़ा तो 3 लोग मिले थे। जो तीनों लोग के पास से फिर एक चाकू भी मिला कि जिसके आधार पर वो उससे पैसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। और तब पुलिस ने उनको तीनों को अरेस्ट किया, उनसे चाकू जब्त किया और ऑटो भी जब्त की जिसमें बैठा के करते थे। अभी पूछताछ पे उनने ये घटना तो स्वीकार की थी, इसके साथ और भी घटना स्वीकार की है। सर मतलब कितनी वारदातों को कबूला है? अभी 2-3 घटना तो इस थाना क्षेत्र की बताई है और दूसरी भी बताई कि उनने सरवटे वगैरह से भी इस टाइप की चीज़ें की। सर क्या नाम है उनके और नहीं अभी रिकॉर्ड तो देख रहा है। इसमें एक फिरोज है जिसकी ऑटो है, ये आज़ाद नगर एरिया का रहने वाला है। दूसरा विक्की है जो पालदा का रहने वाला है। एक अजय करके ऐसे 3 लोग हैं टोटल। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में पाइपलाइन डालने के लिए एक 50 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। इसमें अनियंत्रित होकर 2 बाइक सवार गहरे गड्ढे में गिर गए। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को बाहर निकाला। युवकों के नाम साहिल और तेजस बताए जा रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। वहाँ पे से आ रहे थे सनन भनन। कौन लोग? ये जो धीरे। अच्छा कैसे थे ये? रायन फील्ड है तुमसी गाड़ी तो अपन को भी नहीं मालूम। कितने लोग थे ये? 3 थे। आपने मना किया था ना? हाँ। क्या बोला था आपने? मैंने अंदर समझ जाओ तो वो ठुदा हुआ। अच्छा आपसे भी बदतमीजी करने लगे? डाली डालो तो वो डाल। अच्छा कितने अंदर कितनी गहरी खाई है ये? ये तो भैया अपन तो भी नहीं मालूम, 35-40 फुट हुई थी अंदाजा। अच्छा कहाँ कितने लोग घायल हुए इसमें? 2 तो मैंने देखा, अब एक जास्ती है तो हमें ये नहीं मालूम। ये जो अपना देवास नाका के पास में राजपाल टोयोटा के सामने BRTS का जो कॉरिडोर है उसके अंदर एक गड्ढा खुदा हुआ है, करीब 20-30 फीट चौड़ा होगा और 30 फीट करीब गहरा होगा। उसके अंदर 3 लगे हुए हैं लेकिन वहाँ पर गर्मी नहीं दिखा उसमें, और 2 बाइक सवार आए, इनफील्ड गाड़ी थी, एक चलाने वाला था साहिल मिश्रा और पीछे बैठा था तेजस शाह। तो ये दोनों जब वहाँ खबर मिली ये अंदर गिर पड़े हैं, इनको वहाँ से निकलवाया गया और ये बॉम्बे हॉस्पिटल एडमिट किया है। एक को सिर में चोट है और एक को पैर में है। अब इसमें देखते हैं गलती किसकी थी, क्या था, इस पर आगे पर उसमें जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पर कार्रवाई करने के लिए इंदौर यूथ कांग्रेस ने आज भवरकुआ थाने पर ज्ञापन दिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी, जिसमें राहुल गांधी को कोकिन के नशे का आदी बताया गया था। ऐसी अभद्र टिप्पणी को लेकर आज यूथ कांग्रेस के सनी गवाई अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भवरकुआ थाने पहुंचे, जहां उचित कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया। वहीं अब यूथ कांग्रेस इंदौर के हर थानों पर इस तरह के ज्ञापन देगी जिससे पुलिस प्रशासन कार्रवाई के लिए बाध्य हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने हमारे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता है श्री राहुल गांधी जी के ऊपर एक भद्दी टिप्पणी और एक आरोप लगाए हैं कि वो नशे के आदी ने और कोकिंग का नशा करते हैं। मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ कि उनके पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत है तो सबके सामने लेके आए, या भारतीय जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आए दिन ऐसे भद्दे जो बयान है वो देते रहते हैं। अगर उनके पास में किसी भी तरीके का तथ्य है तो जनता के सामने स्पष्ट करें या तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। अच्छा किस प्रकार का ज्ञापन दिया, कहाँ पर दिया आप लोगों ने? हमने इंदौर के सभी थाने जो हैं सभी पर जाके ज्ञापन के रूप में एक बात पहुँचाई गई है कि इनके ऊपर कार्रवाई तत्काल की जाए, जिससे कि जो राजनीतिक दल है उनके बीच में जो समन्वय रहता है आपस में बना रहे, कार्यकर्ता जो है यूथ कांग्रेस के वो कहीं ना कहीं आक्रोशित है और एक बड़ा विरोध करने के रूप में है, तो जिसको लेके एक शांति बनी रहे उसको लेकर सभी थानों पर ज्ञापन दिया गया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।